करोड़ से ज्यादा है। उनका कहना था कि ये आबादी इतनी है इसलिए प्रॉब्लम है। वो विदेशी युवती ने फटाक करके पूछा कि कलकत्ता को स्वच्छ करने के लिए और कितने ज्यादा लोग चाहिए। 1 करोड़ है तो हम सोचते हैं कि गंदगी इसलिए है, लेकिन इसकी सोच भी ऐसी हो सकती है कि स्वच्छ करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग चाहिए क्या? तो पॉपुलेशन कैन बिकम एसेट व्हेन दे आर कल्चर्ड वन, तो संस्कृति के संस्कार युक्त प्रजा के द्वारा, उनके चिंतन के द्वारा ये हो सकता है। और ऐसे संस्कारों का काम हमारे देश में हम कर सकते हैं, ऐसा सोचने वाले अनेक संगठनों में है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो ये कार्य चल रहा है, ये कार्य की वजह से संस्कार युक्त समाज का निर्माण और हिंदुत्व के चिंतन के आधार पर दुनिया की सब समस्याओं का दूर करना। स्वामी विवेकानंद की एक विदेशी शिष्या भगिनी निवेदिता वो भगिनी निवेदिता ने कहा है, ए नेशन कैन बिकम ए मैनली थ्रू द नेशनल मैन। हेलो, राष्ट्रीय मानव के द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। निवेदिता ने ऐसा कहा है, ऐसे नहीं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब वो राष्ट्रपति बनना तय हो गए, तब सभी पत्रकार उनको इकट्ठे हो गए और मिलने के लिए कहने लगे कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हमारे साथ बातचीत कीजिए। डॉक्टर कलाम ने कहा, नहीं नहीं, बाद में काम करेंगे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन पत्रकारों ने कहा, नहीं नहीं, हमारे साथ बात कीजिए। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, ठीक है, आप सब बात जो पूछना है पूछ लो, मैं सबका साथ में उत्तर दूंगा। तो सब पत्रकार पूछने लगे कि आप राष्ट्रपति बनने के बाद आतंकवाद के बारे में क्या करेंगे, सीमा की घुसपैठ के बाद में क्या करेंगे, भ्रष्टाचार के बाद में क्या करेंगे, समाज के विघटन के बारे में क्या करेंगे, प्रांतवाद, भाषावाद, भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक तनाव, परिवार टूटना, ऐसी काफी कुछ समस्या है, तो इस समस्या के बारे में आप क्या करेंगे? सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, यू प्लीज स्पिरिचुअलाइज द रिलीजन एंड नेशनलाइज द मैन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम। आप संप्रदाय को अध्यात्म के दीजिए, व्यक्ति को राष्ट्रीय बनने, व्यक्ति जाति में, भाषा में, प्रांत में, संप्रदाय में, अहंकार में बटने वाला है उसको राष्ट्रीय बनाइए, और जो संप्रदाय है उसको आध्यात्मिकता दीजिए, अच्छा अच्छा धर्म बनाइए, तो सभी समस्याओं का उकेल है। तो संघ अपने विचार से मानते हैं कि दुनिया की सबसे समस्याओं का उकेल यही राष्ट्रीयता के आधार पर है। वो राष्ट्रीयता का आधार हमारा हिंदू चिंतन है, हिंदू दृष्टि है, हिंदू जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, और उनका जीवन में आचरण की वजह से हो सकता है। आज वैश्विक समस्याएं तो काफी है, लेकिन सभी समस्याओं की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समस्या जो हमारे सामने है उसका एक सैंपल रूपी बात करेंगे। तो 3 समस्याएं हमारे सामने बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी हुई है। और जब ये समस्याएं बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है? जैसे मार्केटिंग ग्लोबल हो रहा है तो समस्या भी ग्लोबल हो रही है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, विश्व का बढ़ता हुआ तापमान, ग्लोबल रिसेशन यानी कि विश्व में बढ़ती हुई मंदी, और 3रा है ग्लोबल टेररिज्म यानी विश्व में बढ़ता हुआ आतंकवाद। कश्मीर से कोसोवो तक, सूडान से लेकर साइप्रस तक, मोरक्को से लेकर मोरोलैंड तक, दुनिया के सभी देश ये त्रासवाद से त्रस्त है। ये सभी वैश्विक समस्याओं के चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनके क्या समाधान होना चाहिए। थोड़े साल पहले हमारे संघ विचार के शंकराचार्य राघवेंद्रानंद जी के साथ हमने एक विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा चलाई।
पूरे भारत में ये यात्रा घूमी और अंत में सभी दोनों यात्राएं एकत्रित हुई। यात्रा का जो विषय था गौ आधारित जीवन की कल्पना, गौ माता का फिर से आस्था नहीं, सिर्फ धर्म नहीं लेकिन आर्थिक भी प्रतिपादन होना चाहिए, सजीव खेती की बात होनी चाहिए। तो विश्व मंगल गौ गौरव यात्रा ये हमने चलाई थी, क्यों चलाई? गाय माता है, धार्मिकता का प्रतीक है, सभी देवों का वास है, ये तो हमारा हिंदू चिंतन कहता है, लेकिन इससे हम रुके नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि गाय क्या है, गाय एक प्रतीक है। हमारी कथा में आता है जब जब ये पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब ये पृथ्वी एक गाय का स्वरूप लेके भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है कि अभी ये पाप का भार बढ़ गया है, आप अवतार लीजिए, आइए और ये मेरा भार, पाप का भार कम कीजिए। यानी कि गाय वो सिर्फ दूध देने वाली गाय, कोई गोबर देने वाली गाय, या गौमूत्र देने वाली गाय, या पंचद्रव्य देने वाली गाय, या सजीव खेती देने वाली गाय, ये गाय का प्रतीक धार्मिकता के नहीं, आर्थिकता के नहीं, खेती के लिए नहीं, लेकिन एक पूरे पृथ्वी का प्रतीक, का सृष्टि का प्रतीक हमने माना है। इसलिए गौ गौ यात्रा चलाई थी। तो ये प्रकृति का जो प्रतीक था, तो हमने ये क्या कर दिया है कि प्रकृति में ये सभी बातें चलती चलती ग्लोबल वार्मिंग की बात आ गई। तो एक बात बताते हैं कि पश्चिम की दृष्टि से हुआ है। दो लोग हो गए, एक लॉर्ड आर्नोल्ड टॉयनबी और इकेदा करके, जो सोकोकोकाई नाम की एक जापान में चली वाली एक बड़ी प्रकृति से अच्छे बात होने वाले एक पद्धति के इकेदा नाम के थे, और लॉर्ड टॉयनबी, दोनों ने मिलके 4 साल तक चर्चा की और एक पुस्तक लिखा, ईस्ट एंड वेस्ट। वो पुस्तक की चर्चा में आता है कि आज की ये समस्या है, समस्या के कारण क्या है, तो बताते हैं यहूदी जीवन दृष्टि। पहले यहूदी देश 10 टेस्टामेंट आए, बाद में वही बात मुस्लिम में चली, बाद में क्रिश्चियन में चली। बताते हैं कि इसमें कहा गया है कि भगवान ने 5 दिनों में दुनिया बनाई, 6ठे दिन महिला और पुरुष को बनाया और 7वें दिन आराम किया। यहूदी लोग कहते हैं कि ये 6 दिन में बात बन गई शुक्रवार के दिन, तो शनिवार को भगवान ने आराम किया, तो यहूदी लोग शनिवार को रजा रखते हैं। मुस्लिम लोग मानते हैं कि ये गुरुवार को खत्म हुआ तो उसने शुक्रवार को रजा रखी, तो शुक्रवार की रजा मनाते हैं। क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि उसका काम शनिवार को पूरा हुआ तो रविवार को आराम का दिन मानते हैं। भगवान ने क्या कहा, तो वो कहते हैं कि पहले दिन उन्होंने दिन और रात बनाए, दूसरे दिन समुद्र और धरती बनाई, तीसरे, चौथे और 5वें दिन पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सभी जमीन, ये सभी मेटल, झाड़ पान वृक्षी सब बनाए, और 6ठे दिन भगवान ने महिला और पुरुष बनाया। वो बनाने के बाद कहा कि ये सब प्रकृति आपके उपभोग के लिए, आप उपभोग कीजिए, आनंद कीजिए, आपके लिए मैंने बनाया है। और वहां से चला ये प्रकृति का शोषण, प्रकृति का दोहन होना चाहिए। पहले लोग मानते थे कि मनुष्य है वो प्रकृति का ही भाग है, प्रकृति का ही अंश है, प्रकृति के साथ उसको बैलेंस में रहना चाहिए, लेकिन जो ये बताया गया कि प्रकृति आपके उपभोग के लिए, तो उपभोग चला, जंगल काटने लगे, पानी का ज्यादा उपयोग होने लगा, हवाई को खराब करने लगे, इतने इतने आते हुए आज की परिस्थिति में ऐसी स्थिति आ गई कि ग्लोबल वार्मिंग की राड़ राड़ आवाज आने लगी, संघर्ष बढ़ने लगा है। पहले ये छोटा था लेकिन अब ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? पहले तो आदमी था लेकिन आदमी के पास ये प्रकृति के शोषण करने के लिए साधन कम थे। अभी विज्ञान आ गया, साधन बढ़ गए, उद्योग आ गए, व्हीकल आ गए, एसी आ गया, काफी कुछ चीजें आ गई, तो प्रकृति का शोषण बढ़ने लगा। ऐसा कहा जाता है कि नेचर इज एवरीथिंग टू मीट अवर नीड पर नॉट फॉर अवर ग्रीड। हम खनिज निकालते गए, पेट्रोल निकालते गए, डीजल निकालते गए, धरती से सब कुछ निकालते गए, अपने घर के फर्नीचर बदलने के लिए जंगल को काटते गए, पानी को बिगाड़ते गए। ये सब का उपाय, ये ग्लोबल वार्मिंग का उपाय है भारतीय जीवन चिंतन, उनकी दृष्टि और आचरण। क्या कहता है भारतीय जीवन दृष्टि? माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वीया। हमारे पृथ्वी सूक्त में सभी बातें बताई है,
पुराने जमाने में वैद्य दवाई के लिए वनस्पति काटते थे तो उनको प्रणाम करते थे। ये हमने रामायण में दिखा है, सुसेन वैद्य ने जब लक्ष्मण जी के लिए वनस्पति से दवा बनाया चाहा तो पहले क्या किया था, नदी के पानी का उपयोग भी हम कैसा करते थे। एक बार जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी गंगा के किनारे थे, खाने के बाद जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के हाथ प्रक्षालन कर रहे थे तो पानी ज्यादा गिर गया, तो गांधी जी ने कहा नेहरू जरा देखिए पानी ज्यादा बिगड़ रहा है, तो नेहरू ने कहा हम गंगा के किनारे है इतना पानी बह रहा है इसमें चिंता की क्या बात है। तो गांधी जी ने कहा था ये गंगा का पानी सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, इस गंगा के किनारे बसने वाले लोगों के लिए है, खेत के लिए है, पशु पक्षी के लिए है, वनस्पति के लिए है, पाक के लिए, खेत और खलिहान के लिए है, ये हमारी जीवन दृष्टि है। वृक्ष की, पक्षी की, पशुओं की कितनी चिंता करते थे। हमारे एक दक्षिण में हो गए सुब्रमण्यम शास्त्री करके हमारे एक संघ चालक जी थे, वो बताते थे कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में एक आम का पेड़ था और हम बच्चे थे तो आम के पेड़ पर से आम निकालते थे, तो आम निकालने चढ़ते थे तो हमारी बुढ़ी माँ कहती थी बच्चा सभी आम नहीं निकाल देना, कुछ आम तो उधर रखना। हम पूछते थे क्यों, तो उसने बोला कि वो आम रखनी चाहिए पक्षियों को खाने के लिए। तो हम कहते थे कि हम आम निकालेंगे फिर भी कुछ आम तो रहेंगी, ऊपर रहने वाले कुछ पत्ते के पीछे हम छोड़ दे देंगे, वो पक्षी खा सकते हैं। तो बूढ़ी माँ का जवाब था कि ऐसी रह गई आम जो पक्षी खाते हैं तो उनका पुण्य वृक्ष को मिलता है, हमको नहीं मिलता। ये हमारा था जिंदु चिंतन। अभी हम इकोलॉजी, इको फ्रेंडली, पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ सम्मेलन सब बातें करते हैं लेकिन जीवन शैली नहीं बदलेंगे तो नहीं होगा। अभी अभी तो एक नया ट्रेंड चला है, अभी तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो क्या कहा विदेश के लोगों ने, पश्चिम के राष्ट्रों ने, कि अरे भाई पूर्व के राष्ट्रों जिनका विकास हो रहा है वो आप क्या उद्योग कम कीजिए, कार्बन का उत्पादन कम कीजिए, वातावरण को ठीक रखिए, इसके बदले में हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, कुछ डॉलर देंगे, हम आपको मदद करेंगे। क्यों, आप कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, पुण्य कमाएंगे और हम पैसे डॉलर देके आपका पुण्य ले लेंगे जिसकी वजह से हमको पाप करने का सर्टिफिकेट मिल जाए। ऐसी चर्चा पे इनको कहा कि कार्बन ट्रेडिंग, तो हमारी संसद की चर्चा में एक संसद सभी ने कहा था ये कार्बन ट्रेडिंग नहीं है, सीन ट्रेडिंग है। हमारे देवी भागवत में भी कहा गया है कि जब तक पहाड़ है, पेड़ है, जीव जंतु और जनावर है, तब तक हमारे पुत्र पौत्री और संसार चलेगा। भर्तृहरि के वैराग्य शतक में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता है, वायु पिता है, आकाश जल और अग्नि हमारे सहोदर मित्र और बंधु है, ये सब हमारे साथ रहना चाहिए। एक बार एक विज्ञान के प्रोफेसर ने एक साइंस की कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, विद्यार्थी को बता रहे थे कि साइंस कितना आगे बढ़ गया है कि कोलसा अब खाने वाले हैं, कोल ही होने वाला है, तो अगर कोलसा खत्म हो जाएगा तो विज्ञान और कुछ उनके लिए ढूंढ लेगा। वो कॉन्फ्रेंस में एक जैन मुनि आए थे, उन्होंने कहा आप ये कोलसा निकाल देंगे तो कोलसा निकालते निकालते दुनिया की हालत ऐसी हो जाएगी कि व्यक्ति नहीं पूरी दुनिया कोलसा जैसी हो जाएगी, तब ये आदमी नहीं बचेगा तो कोलसा का जो दूसरा परिया है उनको मानने वाला कौन बचेगा। आज की ग्लोबल वार्मिंग से गंगा का ग्लेशियर 16 मीटर प्रति साल निकल रहा है, हिमालय धीरे धीरे कम हो रहा है, हिमालय में से निकलने वाले नदियों में से पानी कम हो जाएगा, 5000 साल पहले सरस्वती नदी चली गई, आने वाले समय में कहीं और नदियां चली जाएगी। 80 सेंटीमीटर पर समुद्र का पानी का स्तर बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ेगा तो एक बार द्वारिका चली गई थी और आने वाले समय में मालदीव, हॉलैंड और कई लोग दुनिया के शहर डूब जाएंगे। फिर बचेगा हमारा कुछ नहीं बचेगा तो मनुष्य क्या करेगा, तो इसका उपाय है गौ ग्राम यात्रा, गाय पृथ्वी प्रकृति का बचाव। हम सबको पशु पक्षियों के लिए, गाय के लिए कुछ जमीन रखनी चाहिए, गौचर रखना चाहिए, पानी का उपयोग कम करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए भी कुछ इंतजाम करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के पानी के तालाब रखने चाहिए, पंखियों को खाने के लिए चौन देना, कीड़ी के लिए भी खाने के लिए आटा देना और गाय के लिए श्रद्धा के साथ रोटी बनाना, ये सब हमारे जो जीवन में हिंदू चिंतन में है
वो सब ये नए प्रभाव के, नई संस्कृति, ये अर्बनाइजेशन के साथ भी हम ये रख सकते हैं, ऐसी संरचना खड़ी करनी चाहिए। ये दुनिया मजबूत है।